गैर कानूनी तरीके से किया जाने वाला स्पेन का सफर। अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी के पार्ट वन में आपने ये जाना था कि हॉलैंड का एक सहाफी जिसका नाम वान है, वो ऐसे लोगों की तलाश में मोरक्को पहुंचा था जो गैर कानूनी तरीके से स्पेन जाते हैं। वो ऐसे लोगों की जिंदगियों के बारे में ना सिर्फ जानना चाहता था बल्कि ये भी जानना चाहता था कि स्पेन के सफर में लोगों के साथ आखिर होता क्या है, लोग किन खतरात का सामना करते हैं, स्मगलर्स कैसे उन्हें स्पेन भिजवाते हैं। ये कहानी वहाँ तक आकर रुकी थी जब वान अहमद और इसके दोस्त की स्पेन जाने की एक और कोशिश भी नाकाम हुई थी और कश्ती समंदर पर सफर शुरू होने से पहले ही डूब गई थी। चलिए अब यहीं से इस कहानी को शुरू करते हैं। वो 4 अप्रैल 2008 का दिन था। अहमद और वान की स्पेन जाने की दूसरी कोशिश को नाकाम हुए सिर्फ चंद ही घंटे गुजरे थे कि मोहम्मद अहमद और वान ने स्पेन जाने की एक और कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन इस बार अहमद का ये दोस्त कश्ती के टूटने से खौफजदा होकर स्पेन जाने से इनकार करने लगा। पहली बार जब इसने स्पेन जाने की कोशिश की थी तो इसकी कश्ती समंदर में डूब गई थी, लेकिन ये जिंदा बच गया था। दूसरी बार स्मगलर इसकी रकम लेकर भाग गया था और तीसरी बार सफर शुरू होने से पहले ही कश्ती को समंदर की लहरों ने तोड़ डाला। अहमद ने अपने दोस्त को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन ये ना माना, लिहाजा अहमद ने वान से कहा, अब कुछ भी हो जाए मैं ये सफर हर हाल में करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। ये उस वक्त का मंजर है जब अहमद बहरे ओकियानूस की लहरों को देखकर ये सोच रहा था कि एक महीने के बाद ये अपने ख्वाबों के मुल्क स्पेन पहुंच जाएगा। ये वही दिन था जब अहमद और वान ने स्पेन जाने के लिए एक बार फिर से किसी स्मगलर से डील की थी। ये तस्वीर भी वान ने ही बनाई थी। ये सितंबर 2008 का एक दिन था। अहमद और वान का समंदर पर सफर शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही घंटे बाकी थे। ये तस्वीर वान ने उस वक्त बनाई थी जब अहमद का एक दोस्त स्मगलर से फोन पर बात कर रहा था। इस मौका पर स्मगलर ने इनसे कहा था, जहां तुम लोगों को आना है मैंने कश्ती उसी सहरा में छुपा रखी है। रात होते ही हम उस कश्ती को एक गाड़ी पर उस समंदर तक ले जाएंगे जहां से 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात को मैं तुम्हें स्पेन रवाना करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं आज रात उसी सहरा में। कैलेंडर पर 6 सितंबर 2008 की तारीख थी और ये मंजर उसी रात का है। ये तस्वीर भी वान ने ही बनाई थी। यहाँ पर आप उस कश्ती को भी देख सकते हैं जिसे इंसानी स्मगलर ने सहरा में छुपा रखा था। ये लोग रात होते ही एक गाड़ी पर इस कश्ती को समंदर के किनारे ले जा रहे थे। स्मगलर ने वान को ये तस्वीर शर्त पर बनाने की इजाज़त दी थी कि वो इसके अलावा बाकी तमाम लड़कों की तस्वीरें ले सकता है। बिना वक्त जाया किए तमाम लड़के सहराई रास्तों से होते हुए पुलिस से छुपते छुपाते इस साहिल तक पहुंचे। यहां भी वान ने मजीद तस्वीरें बनानी चाहिए लेकिन स्मगलर ने उसे रोकते हुए तमाम लड़कों से कहा, इस कश्ती को फौरन समंदर पर ले चलो और जितना जल्द हो सकता है इस साहिल से निकल चलो। इस वक्त आप मैप पर देख सकते हैं कि तमाम लड़कों की मंजिल स्पेन का कौन सा जजीरा था। इनका ये सफर तकरीबन 327 किलोमीटर का था। रात का अंधेरा खत्म होने तक कश्ती समंदर पर काफी दूर निकल गई। सुबह की रोशनी में भी समंदर पर दूर दूर तक स्पेन का कोई जजीरा कहीं दिखाई ना दिया। इस वक्त आप वही मंजर देख रहे हैं जब समंदरी सफर से घबराया हुआ अहमद कश्ती पर खड़ा स्पेन के किसी जजीरे की तलाश में था। ये भी उस वक्त की तस्वीर है जब ये लोग समंदर पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर निकल गए थे और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ नीले समंदर के नज़ारे थे। कश्ती पर किसी के पास भी लाइफ जैकेट नहीं थी। अगर इस वक्त ये कश्ती समंदर में डूब जाती तो अहमद समेत तमाम लड़कों की कहानी यहीं खत्म हो जाती और ये सब के सब उसी समंदर की गहराइयों में पहुंच जाते जिसकी गहराइयों में टाइटैनिक बहरी जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। समंदर पर सफर का पहला दिन खत्म होने वाला था लेकिन सफर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पहले दिन के सफर में ही तमाम लड़के काफी थक चुके थे और मालूम होता था कि समंदर पर सफर का दूसरा दिन भी इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। वान जो के हॉलैंड से सोचकर इस सफर पर आया था कि ये बहरे ओकियानूस पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंदों की तस्वीरें बनाएगा और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। इस थका देने वाली समंदरी सफर ने इसकी हालत भी ऐसी बना दी थी कि ये कश्ती पर सवार न किसी शख्स के बारे में जानना चाह रहा था और न ही उनकी तस्वीरें बनाना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि ये अपनी जिंदगी के कई महीने इसी मकसद के लिए जाया कर चुका था और काफी रकम भी उड़ा चुका था, लिहाजा ये ना चाहते हुए भी अपने काम में लगा रहा और हिम्मत करके कश्ती पर सवार तमाम लड़कों की तस्वीरें बनाता रहा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्पेन के सफर ने अहमद की क्या हालत की थी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इन्हें समंदर पर सफर करते हुए 30 से ज्यादा घंटे गुजर चुके थे। 36 घंटों के बाद भी आखिर तमाम लड़कों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि कश्ती स्पेन के जजीरों के करीब पहुंच गई। यहां आप देख सकते हैं कि अहमद कश्ती पर आंखें बंद करके लेटा हुआ है और दूर स्पेन के जजीरे दिखाई दे रहे हैं।
वान का ख्याल था कि सफर की सबसे बेहतरीन तस्वीरें वो सिर्फ तब ही ले सकता है जब कश्ती साहिल पर आकर रुकेगी। लिहाजा वान ने फैसला किया कि वो कश्ती से सबसे पहले उतरेगा। जब कश्ती स्पेन के साहिल पर आकर रुकी तो वान ने सबसे पहले साहिल पर उतरकर ये तस्वीर बनाई। समंदर ने लड़कों को तो छोड़ दिया था, लेकिन यही समंदर गवाह है कि इसने इन जैसे बेशुमार लोगों की जान ले रखी है। यहाँ से तमाम लड़के स्पेन के ही इस छोटे से जजीरे पर पहुँचे। ये वही जजीरा है जहाँ इन तमाम लड़कों को एक घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वान से इसका कैमरा और सारी तस्वीरें भी छीन ली। इसके बाद वान को एक खतून जज की अदालत में पेश किया गया, जहाँ जज ने वान से पूछा, तुम्हें कश्ती पर यहाँ तक कौन लाया है? वान अगर उस शख्स का नाम लेता और उसके बारे में बताता तो उसे स्पेन में 80 साल के लिए जेल जाना पड़ता। और वान ने उससे वादा भी किया था कि वो ना ही उसकी तस्वीर लेगा और ना ही उसके बारे में बताएगा। लिहाजा वान ने जज से कहा, मैं सहाफी हूँ और मैं अपने सोर्स की हिफाजत करूँगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। वान की बात सुनकर जज गुस्से में आ गई। उसने वान को सजा देने के लिए उसका वो मेमोरी कार्ड देने से इनकार कर दिया जिसमें उसकी सारी तस्वीरें थीं। लेकिन वान ने 6 महीनों की मेहनत के बाद अपनी सारी तस्वीरें हासिल कर ली और यूं उसकी बनाई हुई ये तस्वीरें आज आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि गैर कानूनी तरीके से स्पेन आने वाले अहमद का क्या बना? तो इस बारे में वान ने बताया कि उसे 1 महीने तक जेल में रखा गया जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इस वक्त आप 10 अक्टूबर 2008 का वही मंजर देख रहे हैं जब अहमद जेल से आजाद होने के बाद अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा था। लेकिन अब मैं आपको जो मंजर दिखाऊंगा उससे आप ही अंदाजा लगा लेंगे कि अहमद की जिंदगी उसके मुल्क में ज्यादा अच्छी थी या फिर स्पेन में। तो ये है वो मंजर। यहाँ आप देख सकते हैं कि अहमद स्पेन के एक चर्च के बाहर खाना हासिल करने के लिए लाइन में खड़ा था। ये तो कुछ भी नहीं है, अब जरा ये मंजर देखें। यहाँ पर अहमद स्पेन के कूड़ेदान से अपने लिए चीजें तलाश कर रहा था। ये थे वो दिन जिसे देखने के लिए अहमद अपने कई साल जाया किए, हजारों यूरो इंसानी स्मगलरों के हवाले किए और तीसरी कोशिश के बाद अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यहाँ पर पहुँचा था। रही सही कसर स्पेन ने निकाल दी जिसने इसे सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया और यूं इसके हाथ आई सिर्फ और सिर्फ जलालत। स्पेन आने से पहले अहमद की जिंदगी ऐसी थी। अहमद की ये कहानियों तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लिए इसी की तरह इन मुल्कों में आना चाहते हैं। वान अहमद की कहानी दुनिया के सामने लाने के बाद वापस अपने मुल्क चला गया, लेकिन इसके बाद वान फिर से ऐसे ही लोगों की तलाश में लग गया जो गैर कानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। वान ने उनके साथ भी कश्ती पर ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश की थी। अगर तारकी ने वतन की कहानियों पर बनी ये सीरीज जारी रही तो फिर वान के ऑस्ट्रेलिया के सफर के बारे में भी शायद कोई वीडियो बन जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।